तुम टैबलेट खा खा के आते थे मेरे साथ सोने। मेरे साथ क्यों सोए तुम? तीन बच्चे गिरा चुकी हूँ, मैं चौथा बच्चा नहीं गिराना चाहती हूँ। ये वही लड़के है ना, देख लो दोस्तों, ये वही लड़के हैं जो अभी पार्क में पब्लिक ने भगाया था। पार्क में थोड़ी ये गंदी गंदी हरकत कर रहे थे, थोड़ा कुछ अश्लील तरीके से वो लड़का उसको वहाँ हाथ डाल रहा था, तो वो चीज़ कहीं सही नहीं लगे तो पब्लिक ने भगा दिया। अभी देख लो यहाँ पे, आप देख लो ये बहस कर रहे हैं यहाँ पे। इनको कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये लड़की बार बार कुछ मना कर रही है और ये लड़का बार बार कुछ फोर्स कर रहा। ये देख लो ये कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से दवाई जैसा कुछ है, जहाँ तक आपको पता नहीं, नज़र आ रहा नहीं नज़र आ रहा। ये देख लो, ये देखो शायद ये कुछ रैपर है, दवाई का रैपर है कि क्या है, कि उसमें कुछ हो, कुछ तो है। ये देख लो, ये देख लो कैसे बदतमीजी कर रहा है, ये देख लो कैसे मार रहा है बेचारी को। ये देख लो, अब इसमें कौन गलत है कौन सही है पता नहीं। ये देख लो, अरे क्या कर रहे, क्या मूड खराब हो रहा है तेरा? कुछ बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, तू जो जो ही बात कर रहा है, तू लड़की को यहाँ बीच रोड में मार रहा हो या? ये हमारा पर्सनल मैटर है हम दोनों का, तुम्हें क्या लेना चीज से? देख पर्सनल मैटर है तो पर्सनल मैटर घर में सुलझा जाता है, ये लड़ाई झगड़ा काम बीच रोड में नहीं होता। कहीं भी बात करो, तू ये क्या लेना, निकल जा। मैं नहीं खाऊंगी, तुम तीन बार दे चुके मुझे ये। की मैडम ये क्या क्या यार, देखो मैं आपकी कोई हेल्प करूंगी। हां भाई यही है, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं नहीं खाऊंगी गोली, जब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मेरे पास ही क्यों आए? यार ये होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं, तुम्हें इंसानियत है तुम्हारे अंदर की नहीं है? बहुत इंसानियत है मेरे अंदर। ऐसी इंसानियत है कि बच्चे को मार रहे हो तुम? तमीज से रहो आप। यार तुम चुप रहो यार, तुम बीच मत बोलो यार। नहीं खाऊंगी गोली, मैं बता रही हूँ। मैं कह रहा हूँ देख, मुझे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम जाओ यार, हम दोनों की बीच की पर्सनल बात है, हम कुछ कर रहे हैं अपनी बात को, ठीक है? तो वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम। ये क्या काम कर रहे हैं, बीच वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? ये क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, सही तो बोल रहे हो मुझे। मैडम क्या दिक्कत हो गई? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरे साथ रहेगा, मेरे रिलेशन में भी रहता है ये। अच्छा। और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं 40 दिन की प्रेग्नेंट हूँ, तो अब ये मुझे 3 महीने से अनवांटेड 72 टैबलेट दे चुका है। अनवांटेड 72 ये क्या हो, मतलब क्या है मैडम? ये टैबलेट है, ये मुझे प्रेग्नेंट थी ना मैं जब, तो इसे ये इन्होंने मुझे 3 बार प्रेगनेंसी गिरा दी है। अच्छा तो इससे क्या अच्छा तो आपका ये बच्चा पीरियड ब्लॉक हो गया था 3 महीने से। हाँ तो इन्होंने 3 बार टैबलेट दे चुकी मुझे और अब ये चौथी बार फिर लाई, कौन सी टैबलेट लाए, और फिर बोल रहा है मैं 40 दिन की प्रेग्नेंट होती है, फिर बोल रहा है कि इसको गिरा दो। यार अभी नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो मेरे पास ही क्यों आए तुम? क्या हो गया, वो तो मिलते जुलते रहते, क्या मिलते जुलते? तुम 3 बच्चे गिरा चुकी हूँ, मैं चौथा बच्चा नहीं गिराना चाहती हूँ। यार अभी नहीं चाहिए, मुझे पता है ना तुमसे, मैंने बोला ना कि शादी कर लेते हैं। अभी शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकते तो मुझे प्रेग्नेंट क्यों करा? घर वालों से छुप छुप कर भी मुझसे मिलने आते थे, तब नहीं लगा तुम्हें? तो क्या घर है यार, सामने खुलेआम मिलो घर वालों के सामने, क्या मैं यार ये नहीं, तो खुलेआम नहीं मिल सकते, तो खुलेआम बता तो सकते हो सबको? नहीं बता सकता भाई, नहीं बता सकते, मुझे बस मुझे बर्बाद करना चाहते हो। ये टैबलेट खा और मुझे ये कलेश नहीं चाहिए। ये बेवकूफी वाली बातें मत कर, देखिए आसपास यहाँ रोड में लोग जा रहे हैं, ये बेवकूफी वाली बातें मत कर, मुझे किसी की टेंशन नहीं है, ठीक है ना? टेंशन नहीं है, हाँ मुझे। अभी देख पहली बताइए, यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा हूँ तो ये तो फिर लड़की का बदतमीजी नहीं करता? यहाँ का तोप है क्या मेरे सामने खड़ा होकर? यहाँ हाँ तोप ही हूँ, ये जो बदतमीजी कर रहा है जो घर जाके चला यहाँ, ठीक है ना? मेरे सामने दिमाग मत खराब कर, बदतमीजी मत कर, जो भी करना। जब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मेरे रिलेशन में आए क्यों, बताओ? बोलो ना, बताओ। मैं तुझे जब तुझे बता दिया कि मुझे, अरे बोलो ना, पहले तो थप्पड़ मार दो, कह रहा हूँ थप्पड़ मार दो, थप्पड़ मारने वाला तू गलत नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे, वो इंसानियत पर बोल रहे हैं। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए तो मत लो,
शादी कर लेंगे। मैंने इनसे बोला है कि हम शादी कर लेते हैं, ठीक है, घर पे रहेंगे, सबको बता देंगी। मैं तीन बार गिरा चुकी हूँ, मैं चौथी बार नहीं गिराऊंगी। मैंने कहा है लास्ट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं दूंगा मैं। क्या नहीं दूंगा? नहीं तुम, मैं तुम्हें मजे लेने होते थे, सेक्स करने होते जब तो तुम मेरे पास चले आते थे, और अब क्या हो रहा है? अब बच्चा क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? यार तू भी तू कौन से मजे नहीं लेती क्या? मजे मेरे साथ सेक्स क्यों किया तुमने? मेरे साथ क्यों सोए तुम जब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था? तो तू भी तो वैसे एक भी होती थी ना, जब भी तो हुआ ना ऐसे तो हुआ नहीं। एक बात बताओ, जबरदस्ती तो नहीं मेरे साथ में? तुम टैबलेट खा खा के आते थे मेरे साथ सोने, ठीक है? यार क्या टैबलेट खा के आते थे फिर मेरे साथ सोते थे? फालतू की बात मत कर, ज्यादा जो मेरे क्या फालतू की बातें मत कर, फालतू की बातें नहीं चाहिए। आपको जो बात करना है बात करो। पहली बात तो ये अभी जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो इनके साथ। पहली बात इनको, एक तो ये महिला है, आप इनकी इज्जत करो। क्या सुना? क्या सुन रहा है? बहुत देर से तेरी बकर बकर सुन रहा हूँ यार। मेरा मूड खिसक गया ना तो बहुत बुरा हाल होगा तेरा, इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारा मूड खिसक सकता और किसी का मूड नहीं खिसक सकता। बुरा हाल करेगा तुम्हें? बुरा हाल करेगा? तुझे शर्म आ रही है? तुझे शर्म आ रही है? ये मेरी बंदी है, चाहे मुझे अनबंदी खिलाऊं, चाहे खिलाऊं, कुछ भी खिलाऊं, ये क्या मतलब भाई? तुझे शर्म आ रही है? पहले ये बता किस चीज की? ये टैबलेट खा खा के आता था मेरे पास सोने के लिए, और अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब टैबलेट तीन बार टैबलेट दे चुका है मुझे, और मारता भी है बहुत। चल निकल यार, लड़की को मारता है? बहुत मारता है मुझे, लड़की को मारता है, लड़की को मारता है। अभी लड़की को जब अकेले मार रहा था तो डर नहीं लगा तुझे? थप्पड़ मार दूंगा तुझे, जोर से थप्पड़ मारो, बहुत जोर से थप्पड़ मारो। है ना जो तुम्हारा ही मूड खराब होगा, है ना? और किसी का तो मूड ही नहीं है। क्यों ना करूं? मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। तीन बार गिरा चुकी हूँ मैं, अब चौथी बार नहीं गिराना चाहती हूँ। तुम घर पे भी मुझे बहुत मारती हो, घर पे भी तो मुझे हाथ मत लगा, हाथ मत थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। बच्चा मारने के लिए लड़की को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करे, ज्यादा नोटिंग की बात करें, फोन तो बंद नहीं हुई। अब अलग मारूंगा, पुलिस में अलग तेरे को दूंगा। हरकते करते हुए दिखे ना रोड पे, इतना मारूंगा ना तुझे। यार क्या यार, तू मूड खराब मत कर मेरे यार। कल तू लगता तुझे तू घर में मारेगा लड़की को? घर में मारेगा? हाँ मारू, मारता है ये। मारेगा तू? होता कौन है फिर हमारे बीच में? तू घर में लड़की को मारेगा? हाँ मारता है ये मुझे, एक बार नहीं तीन चार बार मार चुका है। दिमाग खराब मत कर, तू चल निकल जा यहाँ से। क्यों क्यों ना दिमाग खराब कर? चल निकल, बस तुम्हारा ही दिमाग है जो खराब होता है। मेरा जो कर रहा है, सुन 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 घर पर बात कर। ओए सुन 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 जो कर रहा है, क्या कर रहा है? हां बता। तो लड़की को घर में मारेगा? मारता है भैया, एक बार नहीं तीन चार बार। आपने कंप्लेन करी इसकी? मैंने नहीं करी, मैं इस पर रहम खाती रही और ये मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करता है। चुप हो जा, हाथ उठाए तो हाथ काट के रख दूंगा। गलत नहीं मार रहे, तुम्हारे समझाने के लिए मार रहे। पहली बात है तू इंसान के नाम पे, पहली बात है। एक बात बता, अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा लड़का मिल गया और उसके साथ उसे इस तरीके कर जाए और बोले तो बुरा लगा? अभी बुरा लग रहा, मुझे बुरा लग रहा। सही कह रहा हूँ, तुझे बुरा लग रहा है? अभी बुरा लग रहा है? ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की बहन है। हाँ तो उसको समझा तो रहा हूँ मैं, से कह रहा हूँ समझा रहा, तो गोली खिला रहा। अगली का तूने तीन बच्चे मार दिए। सुनी मेरी बात? चल बात सुनी, मेरी बात सुनी, तेरी बात सामने दिख रही है। क्या कर रहा हूँ? मेरी बात सुनी? नहीं तू सामने यहाँ दिख रहा है, क्या कहानी बोलनी है? क्या कहानी बतानी है? मैं बता तो रही हूँ। और भी कुछ किया गया? गलत और बहुत गलत किया है, मैं क्या क्या बताऊँ? कितने साल से आपके साथ? एक साल से मेरे साथ है। एक साल में कितने? तीन बार मेरे साथ ये सब बदतमीजी। तीन बार मुझे टैबलेट दे चुका है ये, तीन बार बच्चा गिरा चुकी हूँ मैं। अनवांटेड 72 दे चुका है ये मुझे। और अभी क्या खिला रहा था? अभी फिर एक टैबलेट पता नहीं कौन सी जो मैंने फाड़ के फेंकी ना, वही लेके आया। फिर कौन सी? क्या वही अनवांटेड है? वही लेके आया था मैं इसके लिए। तो क्यों देना चाहते हो? तुम्हें जब बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मेरे साथ सोए क्यों? अब मैं तो ये झूठ बोल रहा ना? ये हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहा ना। तुम 40 दिन के प्रेग्नेंट हो? हाँ 40 दिन की प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या झूठ? तो पता है तू कौन सी गोली खिला रहा? मुझे पता कौन सी गोली मालूम? एक बार मैंने इसने अनजाने में खिलाई, जब मेरा पीरियड ब्लॉक हो गया मैंने इसको बताया, इसे समझ में आ गया, इसने लाके मुझे टैबलेट दी। मैंने नहीं खाने, मुझे नहीं पता था कि क्या दे रहा है। कह रहा है ये टैबलेट है तेरी कमजोरी की है खा ले। फिर मेरा दूसरे दिन पीरियड आया, फिर इसने बताया कि मैंने तुझे टैबलेट दी थी। मेडिकल में थोड़ा बहुत जानता, दर्द वर्द भी हो रहा होगा।
नहीं क्यों ना खोलूं मैं, एक बात बता, सच बोल रही हूं तो मुंह नहीं खोलूं, सच बोल रही हूं तो मुंह नहीं, तेरे घर वालों के साथ तेरी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो ये बुरा लगेगा ना, ये भी तो किसी की बहन है ना, जो तो टैबलेट खिला ला, तुझे पता है वो टैबलेट कितनी गंदी टैबलेट होती है, मालूम है उसमें एस्टेरॉइड होता है, मैं जानता हूँ सब कुछ, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं हो सकता, तुझे जब कुछ इसकी जान भी जा सकती है ये भी जानता हूँ, मालूम है पर मैं इस तरीके से नहीं देना, बट इस समय क्या है मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि आई मूड्स पॉलिसी चले, ठीक है ना, मैं ना मना नहीं की शादी करनी, शादी भी करूँ और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस घर में लिया अपने लिए, दिमाग खराब है, मैं इतना जोर से थप्पड़ मारूंगी ना अगर एरे गेरे बोला तो, बहुत दिमाग खराब है, बहुत सुन रही हूँ मैं, बहुत बदतमीजी सुन रही हूँ, बहुत क्या समझ में नहीं आती है, क्या समझ में नहीं आती है, एक बात बता, तू इसके साथ एक साल से सो रहा, तीन बार प्रेग्नेंट कर दी, तीन बच्चे कबू कर दिया, अब तू कह रहा की शादी नहीं, आजकल का ये फैशन है, किसी की इज्जत के साथ खेलना फैशन नहीं है, बहुत हो गई तेरी, मैं इतने दिन से मैं तेरी बहुत बर्दाश्त करती हूँ, अब कर तू मुझसे बात, इतने दिन से मैं फैशन तो फैशन ले रहा था, मजे ले रहा था यार, दुनिया मजे लेती है, तुम मजे लेने के लिए तू मेरे साथ था, मजे लेने के लिए तू मेरे साथ था, मैडम इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत देर हो गई, चल निकल जा तू यहां से, आपको आपने ये जो गुस्सा दिखलाया है ना मैडम, ये गुस्सा आपको पहले दिखाना चाहिए था ऐसे लोगों पे, ये जो गुस्सा दिखा ना, ये पहले दिखाना चाहिए था, और ये जो अगले अगली बार इस रोड पे दिखाना, तो ये बदतमीजी करते हुए, तो ये सीधा उधर पहुंचाऊंगा मैं, कहाँ पहुंचाएगा, जहाँ तो होता है ना, कहाँ होता है, जो ठुकाई होगी ना, जो मैं तेरी कंप्लेन करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बड़ा आप कंप्लेन करोगी ना, चल कर ले जो करना कर ले, क्योंकि तूने जो शब्द बोला ना कि मजे ले रहा, हाँ चल ठीक है चल, इस बात पे मैं कंप्लेन निकल, चल निकल, ओए बात कर, वो लड़की है वो जाए, मैडम आप कंप्लेन करनी है ना इसकी, बिल्कुल मैं इसकी कंप्लेन करूंगी, हाँ ऐसा कुछ भी हो, तेरी बहन ऐसा कुछ भी हो तो तुझे बुरा लग रहा है, उसके साथ करके तुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, उसके साथ तू कह रहा है ऐरा गया एक साल से मजे ले रहा है, हां ऐरा गया रहा है वो, ठीक है ना, ऐरा गया रहा है जो मर्जी कर, लेकिन अगर मैंने तो नहीं बनाया ना दो तीन बॉयफ्रेंड, मैंने तो नहीं बनाया ना, मैंने तो नहीं बनाया ना, जो तू बोल रहा है ना कि दो तीन बॉयफ्रेंड बनाती है लड़की, यार तूने भी बहुत बना रखे होंगे, मेरे पेट पीछे नहीं क्या करते कि मुझे क्या पता तेरा, मैं तो चौबीस दिन देखो, अब इसको इसको आपके ऊपर ऐसे मुंह ही लगना बेकार है, वो कहावत सही है, गोबर पे पत्थर फेंकने से छींटे, अरे चल निकल, अब चल निकल, जैसे सर मुंह लगना ही बेकार, निकल निकल और अपने हिमाचल को लेके जा, चल निकल, तू यहाँ से आज के बाद यहाँ दिख मत, चल उस रास्ते जा, मैं तो यही मार के लेटा दूंगा तेरे को, चल निकल यहाँ से, चल निकल जाए, ध्यान रखना ऐसे लोगों से बच के, ये बोल रहा है कि आप कितने से आपका ये चक्कर होगा, किसके साथ सोई होगी बोल रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी चाहिए थी पहले, तो सोच समझ के आज की डेट में थोड़ा होना जरूरी है, या थोड़ा डॉक्टरी सलाह ले लेके, और ऐसे बच्चे आसानी से रहने से बेटर है कि आप थोड़ा अलग हो लें, ठीक है, और कोई आपको मदद चाहिए तो आप हमें बता देना, अपना मैं अपना कार्ड दे दूंगा आपको, आप बता देना हमें, और आपको और कुछ मदद चाहिए तो आपकी मदद हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना आप, जो जिसको आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जो आपके साथ रह के आपको कहता है कि किसने सोई होगी, किसके साथ क्या करा होगा, क्या पता अगल क्या पता कल को ये कह दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, वो साफ ही बोल रहा है, साफ ही बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, एक बार नहीं तीन बार गिरा चुका है, और अब तीसरी बार फिर लेके आया टैबलेट, ठीक है, तो आज के बाद ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाकी आप मेरा नंबर आप मेरा कार्ड ले लेना, और आप ठीक है।